नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में मैं हूं निखिल सिंह और टोटल हेल्थ में हम बात करते हैं आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की और आपको तमाम रोगों उनके उपचार और चिकित्सा से जुड़ी हुई जानकारियां देते हैं आपको जागरूक करते हैं और आज हम बात करेंगे आपके दिल की आपके दिल के सेहत की दरअसल बात होगी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की जिसे सी कहते हैं और जिसे हम आम बोलचाल में हार्ट अटैक या एंजाइमा भी कह देते हैं दरअसल इस कोरोनरी धमनी रोग में हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों के अंदर प्लॉक नाम का एक मोमी पदार्थ जमा हो जाता है और इससे रक्त का प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है मंद पड़ने लगता है और एक तरह से ये एक समय ऐसा आता है जब ये पूरी तरह से ब्लॉक हो सकता है हालांकि ऐसा होने में लंबा वक्त भी लग सकता है लेकिन ये अंततः दिल के दौरे का कारण बन सकता है तो ये रोग क्यों होता है कैसे होता है कोरोनरी आर्टरी के जो ब्लॉकेज है उसको क्या रोका जा सकता है और कैसे रोका जा सकता है इस विषय में तमाम सारी बातें हैं और इस पर हम बात करेंगे अपने विशेषज्ञों के साथ विशेषज्ञों का पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे तो सबसे पहले अपने विशेषज्ञों से आपका परिचय करा देते हैं और हमारे साथ डॉक्टर राजीव नारंग मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स न्यू दिल्ली से डॉक्टर राजीव बहुत स्वागत है आपका और हमारे साथ डॉक्टर राजीव कुमार नाथ जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू डेली से और साथ ही साथ डॉक्टर मिलिंद पदमाकर होटे जो कि डायरेक्टर हैं कार्डियोथरासिक वेस्कुलर सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से और जो एक्स या कहा जाए कि फॉर्मरली प्रोफेसर रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एम्स न्यू दिल्ली में कार्डियो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में तो ये विशेषज्ञों का एक विद्वान पैनल जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है और आप भी दर्शकों हमारे साथ सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे हमारी फोन लाइनें खुल गई हैं जो कि टोल फ्री है जीरो वन वन टू थ्री थ्री एट सेवन जीरो थ्री वन इस पर और दूसरा नंबर हमारा जीरो वन वन टू थ्री जीरो नाइन सेवन सिक्स सेवन जीरो पर कॉल करके आप अपने सवाल सीधे हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं और आप अपने सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारा ईमेल आईडी नो, नोट कर लीजिए डी डी न्यूज टोटल हेल्थ एट जी मेल डॉट कॉम पर तो सबसे पहले इस इस रोग के विषय में समझते हैं डॉक्टर राजीव नारंग अगर आपसे हम इस इस रोग के बारे में समझना चाहें सी के बारे में क्या है ये रोग कैसे इसके बारे में समझें क्यों हो जाता है मतलब अगर इसकी इसको इसके बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पर समझना चाहें और दूसरी बात ये कि आ, कितना बर्डन है इस रोग का इंडिया में अगर देश में की बात करें तो तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या जिसको शॉर्ट फॉर्म में सी लिखा होता है तो ये रोग जो है काफ़ी कॉमन रोग है और ये थोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि इसका रिलेशन है हमारी जीवन शैली से तो जिस तरह से हमारी जीवन शैली धीरे धीरे जिसमें एक्सरसाइज कम हो रही है और जिस तरह से खाने में फैट और कैलोरीज बढ़ रही हैं तो उससे ये रोग बढ़ रहा है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है <laughs> तो हार्ट जो है बेसिकली एक मसल है जो पम्प करता है ब्लड सारे शरीर में तो अब हार्ट के मसल को खुद भी ब्लड चाहिए ताकि उसमें उसको न्यूट्रेंट मिले और वो पम्प करता रहे जी। तो ये ब्लड हार्ट को पहुंचता है पतली पतली आर्टरीज से जो कि लगभग लगभग दो से तीन मिलीमीटर की होती हैं लगभग तो इन आर्टरीज में नॉर्मली ये अच्छी खुली होती हैं अच्छा ल्यूमन होता है इसमें ब्लड बिना किसी गतिरोध के बिना किसी ऑब्सट्रक्शन के बहता है पर ज़्यादा फैट हो एक्सरसाइज कम हो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़े डायबिटीज़ हो इन चीज़ों से कई बार हार्ट की आ, इन ब्लड वेसल्स में, नसों में, आ, उनकी दीवारों पे प्लाग जमा हो जाता है जी। फैट वगैरह जमा हो जाता है दूसरे सेल्स आ जाते हैं तो उससे धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन होने लगती है वहाँ पे। तो जब ऑब्स्ट्रक्शन होने लगती है तो हार्ट के मसल को ब्लड कम पहुँचता है तो इस वजह से फिर पेशेंट को प्रॉब्लम होती है पेशेंट को अनजाना होने लगता है दूसरा यह है कभी कभी इसमें क्या होता है जो प्लाक रप्चर कर जाता है और सडनली वहाँ पे ऊपर ब्लड क्लॉट कर जाता है जी। तो क्लॉट करने से फिर अचानक ही वो नस बंद हो जाती है और उससे फिर मरीज को बहुत ज़ोर से छाती में दर्द होता है जैसे हम हार्ट अटैक कहते हैं और इससे कई किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट फेल हो सकता है डेथ भी हो सकती है तो इसके जो मेन कारण जो हैं वो इस तरह से देखे गए हैं जैसे कि आठ कारण ज़्यादा बताए गए हैं जो कि इस बीमारी को बढ़ाते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग स्मोकिंग करने से धीरे धीरे हार्ट की नसों में डैमेज होता है और वहाँ पे प्लाक व्लाक जमा होता है दूसरा है डायबिटीज़ डायबिटीज़ मरीजों को ज़्यादा रिस्क होता है तीसरा है भाई ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम ये बीमारी बढ़ती है चौथा है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ हो तो वो कोलेस्ट्रॉल वहां पे जमा होता है तो होता है फिर चार अलग चीज़ें हैं जैसे कि ओबिसिटी जो पेशेंट की पेशेंट जिनका वजन ज्यादा होता है तो खासकर एबडामल ओबिसिटी उससे इसका रिस्क बढ़ता है फिर है साइकोसोशल स्ट्रेस कि जिन लोगों को जो स्ट्रेस ज्यादा होता है उसमें भी ये रिस्क बढ़ा हुआ होता है और फिर है कि जो लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं सीडेंट्री लाइफ इसमें ये रिस्क बढ़ जाता है और uh, uh, इस लास्ट uh, में है कि खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो प्रोटेक्टिव होते हैं तो जो लोग फ्रूट्स वेजिटेबल कम खाते हैं उनके लिए भी ये देखा गया है कि रिस्क बढ़ा हुआ होता है तो ये कुछ कुछ कारण है और मकनिज्म uh, है जिस वजह से बीमारी होती है जी डॉक्टर रंजीत कुमार नाथ थोड़ा जो हार्ट की सामान्य वर्किंग है उसको समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं आपसे क्योंकि अभी कहा गया कि जब जो धमनियाँ जो रक्त लेकर जाती हैं उन उसमें प्लाक जमा हो जाता है हम लोग कई बार सुनते हैं कि इतने परसेंट ब्लॉकेज है कैसे कैसे इस बात को समझें सामान्य तौर पर कैसे होता है और कितना ब्लॉकेज कैसे ब्लॉकेज ये 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 वाली जो चीज है थोड़ा तो मैं दर्शकों को समझाइए तो जो साइंस है साइंस जो है उसमें ये है कि जो ऑक्सीजन रहित जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो ब्लड जो शरीर के डिफरेंट पार्ट से हमारा राइट right साइड के हार्ट में आते हैं और राइट right साइड की जो वेंट्रिकल या जो बड़ी सेम्बर है वो पम्प करके लांग अंदर हमारा के अंदर हमारे फेफड़े के अंदर भेज देते हैं फेफड़े में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और ऑक्सीजन जोड़ जाते हैं क्योंकि हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन आता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हमारा लेफ्ट साइड के चैम्बर में जो हम लेफ्ट वेंटिकल बोलते हैं वहाँ जाते हैं वहाँ से हमारा जो लेफ्ट भेंटिकोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सारे शरीर को ऑक्सीजन वाला ब्लड जी मिल जाता है सारे शरीर के कोसों को तो यही काम है हार्ट का तो मेजर आपको जो मैंने बताया उससे ये आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट भेंटिकोल जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पंप है शरीर का यही ब्लड देता है हमारा शरीर को ब्रेन से लेके किडनी से लेके पैरों से लेकर सबको देता है अभी बात यह है कि क्योंकि ये एक पंप है ये मस्कुलर पंप है मसल से बना हुआ उसको भी ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि उसको भी तो काम करना है जी। और यही एक अंग है जो दिन रात मेहनत करता है तो उसको जो ऑक्सीजन चाहिए वो भी ऑक्सीजन उसी के दिया हुआ धमनी से बड़ी धमनी से निकाल के छोटे छोटे जो नलियो से जो जाके लेफ्ट वेंटिकुलर तो सप्लाई करते हैं इसी को हम कॉरनेरी आर्टरी बोलते हैं तीन आर्टरी है एक राइट साइड में और दो लेफ्ट साइड में ये जो आपने पिक्चर में देख रहे हो इसी एक छोटे छोटे आर्टरी इसी से जो बड़ी धमनी से ऑक्सीजन जो ब्लड हमारा लिप को जाता है यहाँ पे जब जब भी बंद हो जाता है तो तुरंत उस एरिया को हार्ट का ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है खून मिलना बंद हो जाता है और खून के साथ ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है तो ये एरिया कुछ टाइम के लिए ये दर्द पैदा करता है या आपको तकलीफ देता है उसके बाद ये मर जाता है डेथ हो जाता है यही हार्ट अटैक प्रोसेस है तो जब एक आप समझ लीजिए एक आपका राउंड चेम्बर है उसका एक हिस्सा मर गया तो बाकी हिस्सा अभी ठीक से काम नहीं कर पाएगा जिंदगी भर क्योंकि वो ठीक से पंपिंग नहीं चल पाएगा आपका हार्ट का तो इसीलिए हार्ट की पंप अगर चारों साइड से कंटिन्यूसली पंप करते रहे तभी हमारा पंपिंग अच्छा रहेगा क्योंकि सौ एम अगर ब्लड हर हार्ट बीट में आते हैं लेफ्ट वेंटिकुल को उसमें से सिक्सटी परसेंट सात प्रतिशत वो निकाल देते पंप करके अगर वो कम होना शुरू हो गया तो वो फेफड़े में या हमारा शरीर के विभिन्न अंगों में वो पानी या खून जमना शुरू हो जाता है जिसको हम आहिस्ते आहिस्ते इसको हार्ट फेलियर बोलते हैं तो यही हार्ट का काम है जेनरली जी 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 तो इसको डॉक्टर मिलिंद अगर समझना चाहें कि जब हम इसके लक्षणों की बात करते हैं तो कब अलर्ट हो जाना चाहिए क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं इस तरह की बीमारी के कैसे समझना चाहिए इसमें बेसिकली दो तरह के प्रेजेंटेशन हो सकते हैं एक पेशेंट आप आ, ये सोच सकते हैं कि उनको 70 से 80 परसेंट ब्लॉकेज है कोरोनरी आर्टरीज में तो उनको चलने फिरने में दर्द हो सकता है जिसे हम अच्छा ये तीनों जो तीनों आर्टरीज जिसकी बात हो रही है तीनों ब्लॉक हो सकती हैं एक भी ब्लॉक हो सकती है या दो भी हो सकती है ऐसा भी हो सकता है जी बिल्कुल जी, जी। आ, आ, एक आर्टरी में भी ब्लॉकेज हो सकता है दो आ, में भी हो सकता है और तीनों में भी हो सकता है अगर बीमारी लंबे समय से चल रही है तो कई बार जब मरीज हमारे डॉक्टर के पास आते हैं तो उसमें तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज निकलता है कई बार ऐसा भी होता है कि लकीली पेशेंट को पहली बार एपिसोड ऑफ एंजाइना होता है तो उसमें जांच करते हैं तो एक ही आर्टरी में ब्लॉकेज मिलता है तो बेसिकली uh, दो तरह के प्रेजेंटेशन हो सकते हैं एक एंजाइना यानी कि चलने फिरने में या कुछ काम करने से या कुछ स्ट्रेस हुआ एंगजाइटी हुआ मरीज को कुछ गुस्सा आया तो उसमें छाती में दर्द होने लगे या दूसरा प्रेजेंटेशन ये हो सकता है जैसे कि डॉक्टर रंजीत ने बताया कि आ, पहले से बीमारी एग्जिस्टिंग है मरीज को पता नहीं चलता कई बार स्पेशली अगर डायबिटीज़ वगैरह है तो और उसमें फिर एक मेजर सडन पेन होता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो दवाइयों से फिर रिलीव नहीं होता जिसको कि हार्ट अटैक कहते हैं तो ये दो मेजर प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं जी तो दरअसल ये भी समझना चाह रहे हैं कि क्या कोई अर्लियर साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिसमें लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए कब डॉक्टर के पास जाए या कब ख़ुद समझना चाहिए कि शायद हमारी कुछ आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं या ना ब्लॉक हो रही तो कम से कम हम उस उस दिशा में बढ़ रहे हैं कुछ कुछ अलर्ट होने का कोई समय है ऐसा डेफिनेटली अगर जरा सा भी कभी भी सिम्टम ऐसे आया कि चलने फिरने में छाती में दर्द हुआ या बाहें हिस्से में जा रहा है लेफ्ट आर्म में जा रहा है या जॉ में जा रहा है तो ये क्लासिकल एंजाइना का सिम्टम है और मरीज को तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए जी इनफैक्ट आजकल ये भी बहुत जरूरी है मरीजों को आ, जानना या नॉर्मल पब्लिक को भी जानना ये जरूरी है कि 40 के बाद या 45 साल की उम्र के बाद आ, आ, ये टेंडेंसी चालू हो जाती है कि ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाएं स्पेशली फैमिली हिस्ट्री है अगर पेरेंट्स को हो या ब्रदर को रहा हो ब्रदर सिस्टर को रहा हो या अगर डायबिटीज़ एग्जिस्टिंग है हाइपरटेंशन एग्जिस्टिंग है और कोलेस्ट्रॉल की जांच में ज़्यादा आया है तो ये सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकेज होना काफ़ी कॉमन है तो ऐसी अगर सिचुएशन किसी के साथ है तो उनको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि बिल्कुल कभी भी छाती में पेन हुआ तो तुरंत डॉक्टर के पास मिलना है ज़्यादातर लोग इसको गैस का दर्द है पेट का दर्द है एसिडिटी का दर्द है ऐसा करके इग्नोर कर देते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी 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 तो इसको ये भी समझने की ज़रूरत है डॉक्टर राजीव नारंग जैसे बहुत लोगों के दिमाग में एंजाइना और हार्ट अटैक को लेकर के कन्फ्यूजन रहता है कि क्या है ये और जो अभी कहा ना कि गैस का दर्द है या सच में हार्ट अटैक है कैसे इसको समझें इस इस, इस चीज़ को तो एंजाइना जैसे बताया है एंजाइना तब होता है जैसे हार्ट की नसों में थोड़ा ब्लॉकेज हो <laughs> लगभग 70 परसेंट तक ब्लॉकेज से पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है <laughs> उससे ज़्यादा जब ब्लॉकेज हो मान लो 80 85 परसेंट जैसे ब्लॉकेज आ रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि जब पेशेंट बैठा होता है कंफर्टेबल आराम से होता है तब तो हार्ट को ज़्यादा ब्लड पम्प नहीं करना पड़ता हार्ट पे लोड कम होता है और जितनी ऑक्सीजन आ रही होती है वो काफ़ी होती है लेकिन अगर पेशेंट को तेज़ चलना पड़े सीढ़ी चढ़नी पड़े सामान उठा के जाना पड़े थोड़ा भागना पड़े भारी काम करना पड़े तो उस समय पर हार्ट को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है लेकिन क्योंकि वहां पे 70 अस्सी परसेंट ब्लॉकेज है तो उस वजह से ब्लड का फ्लो बढ़ नहीं पाता तो वहां पे फिर कमी हो जाती है ऑक्सीजन की उस एरिया में हार्ट के मसल में और उससे फिर मरीज़ को डिस्कम्फर्ट होता है तो ये डिस्कम्फर्ट जो होता है जनरली छाती के बीच में लगभग भारीपन जैसा आता है और उससे फिर मरीज़ को चलने में दिक्कत होती है और मरीज़ को रुकना पड़ता है तो ये जो डिस्कम्फर्ट है जनरली छाती में सेंटर में भारीपन होता है और वो कई बार ऊपर गर्दन में जाता है कई बार वो बाई तरफ कंधे में आम में जा सकता है कई बार राइट में जाता है तो ये इस तरह कई बार वो नीचे थोड़ा डामन के साइड पर होता है तो उसको पेशेंट और कई बार ये थोड़ा सा डिफ्यूज़ होता है कई बार बर्निंग टाइप का होता है तो मरीज़ को क्या लगता है कि एसिडिटी है शायद लेकिन आ, ये हार्ट की वजह से हो रहा है और खासकर अगर एग्जर्शन करने पर हो रहा है तो फिर इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए <laughs> तो ये तो हुआ एंजाइना का जी। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हार्ट की नसों में कुछ ब्लॉकेज है और ब्लॉकेज कम भी है बेशक 50 परसेंट है सत्तर अस्सी परसेंट है लेकिन वो सडनली उसमें प्लाक हैं रपच्चर कर जाता है उसमें डिसरप्शन हो जाती है तो उसके अंदर का प्लाक के अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल लिपिड वगैरह होता है फैट होता है वो ब्लड को एक्सपोज कर जाता है तो ब्लड जब उसके फैट कॉन्टेंट में आता है कॉन्टेक्ट में आता है तो उससे फिर ब्लड क्लॉट कर जाता है और क्लॉट करने से वो नस अचानक बंद हो जाती है वहाँ का फ्लो जाना एकदम बंद हो जाता है तो ये अचानक जब ऐसा हो जाता है तो हार्ट के उस पार्ट में उस पार्ट के मसल में ऑक्सीजन जानी बिल्कुल बंद हो जाती है जी। और उससे वहाँ पे बहुत तकलीफ होती है और मरीज़ को फिर बहुत दर्द शुरू हो जाता है और दर्द भी ऐसे ही होता है जैसे मैंने बताया अनजाइना का होता है लेकिन वो ज़्यादा सीवियर होता है और इस वजह से मरीज़ को फिर हॉस्पिटल इमरजेंसी जाना पड़ता है और जल्दी इलाज होना चाहिए नहीं तो और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हार्ट फेल हो सकता है डेथ भी हो सकती है गदम प्रॉब्लम हो सकती है तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है तो इसलिए ये ये एंजाइना और हार्ट अटैक का मेन डिफरेंस ये है जी 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 ए एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से हमको विनीत जैन जी कॉल कर रहे हैं जी विनीत जी स्वागत है आपका पूछिए अपना सवाल हाँ, तो 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 मेरा था। नहीं। में? नहीं। जी पूछिए सभी डॉक्टर को मेरा ये है कि में जिसे रहता है, एक सौ चौबीस चौरासी रहता है लेकिन पल्स ले, एक सौ तो सात एक सौ तो आठ रहता है ठीक है जी क्या जानना चाह रहे हैं ठीक है ये आप समझना चाह रहे हैं कि क्या ये बा, बा, हार्ट डिजीजे जी ठीक है ठीक है हाँ ये उसका ठीक है ठीक है ठीक है डॉक्टर रंजीत कुमार नाथ इनका प्रश्न लेना चाहेंगे आप हाँ जो उन्होंने बताया कि उनका बीपी नॉर्मल रहता है एक सौ बीस और चौरासी के आसपास ऐसा मुझे सुनाई दिया जी लेकिन उनका रेट बढ़ा रहता है सो जो बीपी और रेट का डायरेक्ट संबंध नहीं है संबंध तब होता है जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं भागते हैं तो बीपी भी बढ़ता है और पल्स रेट भी हमारा बढ़ जाता है वो इसीलिए बढ़ता है कि हमारा बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की इसीलिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है जी। इसी से संबंधित जो आपने पहले सवाल पूछा था सार को भी की क्यों एंजाइना होता है क्योंकि जैसे हम काम करते हैं या दौड़ते हैं या खेत में जाते हैं तो बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो हार्ट को और ज्यादा पम्प करना पड़ता है जैसे रिक्वायरमेंट ज्यादा है लेकिन खून जा नहीं पा रहा है ब्लॉकेज है इसीलिए एंजाइना शुरू हो जाता है इनका जो सवाल है बी पी नॉर्मल है पल्स तो उसमें हमको डायरेक्टली हार्ट रिलेटेड संबंध नहीं भी हो सकता है कुछ दूसरी डिजीज कुछ कंडीशन है जैसे एक कंडीशन है थायरोयड हॉर्मोन बढ़ने से कभी कभी पल्स रेट लेटा हुआ या बैठे हुए आदमी का भी पल्स रेट बढ़ा रहता है एक है कोई स्ट्रेस सिचुएशन है उनका कोई दूसरा कंडीशन है कोई हार्मोनल इम्बेलेंस है इस टाइप का सिचुएशन में पल्स रेट बढ़ा रहता है हाथ में पसीना आता है इस टाइप का सिचुएशन होता है तो उसके लिए हार्ट से डायरेक्ट संबंधित ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कुछ हार्ट का हमारा न, 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 ये बीमारी है जो धड़कन बहुत तेज होता है जैसे एक सौ तीस अगर कुछ का बैठे हुए भी है तो उसको इसी करके हमको देखना पड़ता है कि कोई एरिथमिया तो नहीं चल रहा है वो एक कंडीशन है लेकिन अगर किसी का अस्सी नब्बे सौ चल रहा है तो हो सके कोई दूसरा कंडीशन जिसको एक फिजिसियन को दिखा के मैंने जो जहाँ बोला वो कर लेना सही जी 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 डॉक्टर मिलिंद अगर हम ये समझना चाहें कि इमरजेंसी की सिचुएशन आती है जैसे कि अभी एंजाइना और हार्ट अटैक का डिस्कस किया ये तो पता ही नहीं चलेगा पेशेंट को कि दरअसल उसका दर्द क्यों हो रहा है लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन अराइज करती है तो वो स्वयं क्या कर सकता है और साथ ही साथ जो आ, साथ में आसपास में अगर ऑफिस में है या घर में है जो परिवार के लोग हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए तुरंत क्या करें जी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सब सा, सारे दर्शकों को जागरूक रहना चाहिए कि ऐसी स्थिति कभी भी उनके साथ या उनके आसपास निकट में जो ऑफिस में काम करते हैं या सहयोगी हैं उनके साथ आ सकती है तो ऐसे में बिल्कुल इस छाती के दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत निकट के अस्पताल में जाके दिखाना चाहिए हॉस्पिटल uh, में uh, जो डॉक्टर होंगे वो अप्रोप्रिएट टेस्ट uh, कर लेंगे इसके अलावा जिनके घर में ऐसे कुछ हिस्ट्री uh, है या कॉमन प्रॉब्लम uh, ऐसी है uh, आजकल ये भी एडवाइस दी जाती है कि वो अपने साथ सॉर्बिट्रेट और एकोस्प्रिन की गोली uh, रख सकते हैं उनको या अगर भगवान ना करे किसी और को ऐसी तकलीफ़ हुई तो तुरंत एक सॉर्बिट्रेट और एक इको uh, की गोली uh, लेने से इसमें काफ़ी आराम मिल सकता है और इसके अलावा तुरंत अस्पताल भी जाना चाहिए जी तो ऐसे लोग जिनको ये रोग है तो वो ऐसे भी समझे कि सॉर्बिट्रेट या इको स्प्रिंग की गोली उनको रखनी चाहिए हमेशा अपने पास जी आजकल हम ये सजेस्ट करते हैं कि रखनी चाहिए अगर उनको पहले से मतलब डायग्नोज है कि उनको आर्टरी डिसीज़ है और ट्रीटमेंट चल रहा है तो वैसे तो ये रेगुलर ट्रीटमेंट पर रहेंगे बट फिर भी उनको रखना चाहिए हमेशा अपने पास जी आ, तो ये जो डिस्कशन है इसको हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए दर्शकों कहीं मत जाइएगा हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसके बारे में और जानकारी आपको ब्रेक के बाद देंगे छोटे किसानों की शक्ति कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही बनती है इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है आवेदन के लिए अब जी ओ वी डॉट इन पर जाए या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पशु चिकित्सालय या पशु पालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें आवेदन 15 सितंबर 2024 तक सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम ऐसी पूरी कर है मेरा बेटा तो फिर आप पॉलिसी बाजार क्लेम के टाइम पे हमेशा हेल्प को तैयार पॉलिसी बाजार एक करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ तीन सौ नब्बे रूपए महीने से शुरू बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी अब डबल एम के साथ गैलेंट एडवांस निर्माण का रियल हीरो सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल इसीलिए ले आइए आई आई एल के ट्रैक्टर ब्रांड का शनबा जो देता है शुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से टोटल हेल्थ पे और हम टोटल हेल्थ में चर्चा कर रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज की और देश के जाने-माने हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर राजीव जब हम इस 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 रोग की बात करते हैं और देश में इसके बर्डन की बात करते हैं आपने देखा होगा कि कम उम्र में भी जो हृदयाघात है या सी है या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं इसका खतरा बढ़ रहा है क्यों ये खतरा लगातार बढ़ रहा है इसको कैसे समझना चाहिए और जो रिस्क ग्रुप्स है अगर उनकी बात करें तो कैसे कैसे डिफाइन करेंगे इसको सो so, जो आर्टरी डिजीज हमारा इंडिया में इस सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है जी देर ये, ये कहते हैं रिसर्च पेपर्स की तीन से चार गुना अमेरिकन से ज़्यादा है इवन चाइनीज से हम लोग आठ दस गुना ज़्यादा है जापानीज से हम लोग तीस गुना ज़्यादा है जी इसका कारण मे भी हमारा जो जेनेटिक बैकग्राउंड है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज हमारा खान पान का सेलिट इस कंट्री से टोटली तो डिफरेंट है हमारा जो वर्ल्ड ओवर जो रिसर्च हुआ है आर्टरी डिजीज उसमें पाया गया है कि हिंदुस्तानियों में चालीस साल के नीचे बारह परसेंट लोगों को करीबन ऐसा मुझे याद है कि बारह परसेंट लोगों में चालीस साल के नीचे ही कॉररी हार्ट डिजीज हो जाता है हार्ट अटैक्स हो जाता है अदर और इंडिया में ही जो हम मानते हैं कि सबसे एडुकेटेड स्टेट है केरला केरला में कुछ स्टडीज हुआ है बीस साल के लिए हम लोगों ने देखा था कि कितना हार्ट अटैक होता है उसमें पाया गया कि करीबन बीस से पच्चीस परसेंट लोग चालीस साल के नीचे ही हार्ट अटैक के ग्रस्त हो जाता है तो इसमें ये सारी चीजें बहुत भयानक है क्योंकि इतना यंग एज में जो मेन वर्क फोर्स है उसमें हार्ट अटैक होना तो उसमें जो कारण ऑलरेडी डॉक्टर राजीव नारंग सर ने डिस्कस किया डिटेल्स में लेकिन उसमें जो हमारा इंडिया स्पेसिफिक डिफरेंस यंग एज में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है उसमें हम पाते हैं कि खान पान का नंबर वन है क्योंकि हम हमारा शैली जो है खाने का पैकेज फूड की तरफ ज़्यादा है जिसमें काफ़ी मात्रा में जो सॉल्ट एंड जो प्रिजर्वेटिव यूज होता है मे बी वो एक कार हो सकता है हमारा वर्किंग जो वर्क क्लास है आजकल ज़्यादातर वो कंप्यूटर या मॉनिटर के सामने बैठ के काम करने वाला वर्क फोर्स ज़्यादा है तो लेक ऑफ एक्सरसाइज एंड हो गया स्ट्रेस ज्यादा है शहरी होने की स्ट्रेस गांव में भी आजकल स्ट्रेस ज्यादा है क्योंकि आपका ट्रैफिक कंडीशन एयर पोल्यूशन सब कुछ मिला के आप ऐसा एक सिचुएशन हो गया है कि हमारा यंग एज में ही हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है जी। लास्ट में है कि हमारा इंडिया डायबिटीज हाव ऑफ डायबिटीज ऑल्सो सो डायबिटिक भी यंग एज में ही बहुत ज्यादा हो रहा है सो so, रिक्स फैक्टर में जो सर ने बोला था उसमें डायबिटीज तम्बाकू का सेवन ये सारे जो है ज्यादा है सब मिला के ये हो गया है कि यंग एज में ही हमारा पॉपुलेशन में काफी ज्यादा हार्ट अटैक्स हो रहा है जी 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 एक कॉलर हमारे साथ यहां जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से हमको कॉल कर रहे हैं राजीव जी राजीव जी पूछिए अपना सवाल आ, आ, सर सभी डॉक्टर लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग जी आ, सर मेरा सवाल ये है कि मेरे पिताजी है सर उनकी उम्र सत्तर साल है और उन्हें दो बार हार्ट अटैक आया है एक बार उनके एंजियोप्लास्टी हुई है सर

इसमें इनको कुछ चीजें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है इन इनको दवाइयाँ बताई गई होंगी तो ये दवाइयाँ इनको बराबर लेनी चाहिए दवाइयाँ मिस नहीं करनी चाहिए हाँ। खासकर इनके पहले एक बार एनजियो भी हो चुकी है तो मोस्ट लाइकली वहां पे एक स्टैंड भी लगा होगा तो अगर दवाइयाँ ये बंद करते हैं तो कई बार वहाँ पे स्टैंड में ब्लड क्लॉट होने का रिस्क होता है और एक और अटैक होने का रिस्क हो जाता है तो इसलिए जिन पेशेंट्स को स्टैंड लगा होता है तो उनको दवाइयां बराबर लेनी चाहिए दवाइयाँ उनको रोकनी नहीं चाहिए दूसरी बात है इनके डॉक्टर इनको एडवाइस करें करे होंगे कि भई बराबर ब्लड टेस्ट अच्छा छः महीने कम से कम ब्लड टेस्ट कराना चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम रखना चाहिए हार्ट के मरीजों को ताकि फिर से अटैक ना हो जी तो ये बहुत ज़रूरी है वो बराबर उनको रेगुलर चेकअप करा के ब्लड ब्लड प्रेशर ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम रखे दूसरा है कि इनको ब्लड प्रेशर जरूर चेक करना चाहिए हम कहते हैं कि हार्ट के मरीज़ों को ब्लड प्रेशर की मशीन ही खरीद लेनी चाहिए और वो ज़्यादा महंगी नहीं आती है आजकल और वो घर पे उस पर बी ले सकते हैं अगर हफ्ते में एक बार जरूर ब्लड प्रेशर ले लें क्योंकि तो कई बार क्या होता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है और मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती तो मरीज़ को पता नहीं लगता कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है जी। और ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है वो थोड़े टाइम में धीरे धीरे डैमेज करता है और इससे हार्ट अटैक का भी और ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ा बढ़ता है जी। तो आ, तीसरा बात ये बताया है कि भी इनको आसमा भी है तो हार्ट के मरीजों को जनरली डॉक्टर जो हैं एक दवाई होती है उनको कहते हैं बीटा ब्लॉकर वो वैसे हार्ट के मरीजों को दी जाती है पर जिनको अस्थमा ज़्यादा होता है उनको ये थोड़ी मात्रा उसी कम कर देते हैं या अवॉइड कर देते हैं तो वो आ, आ, इनके डॉक्टर ने उसका ध्यान रखा होगा और उस, आ, 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 दवाई की डोज एडजस्ट करी होगी तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इनको बराबर ध्यान रखना है और एक इम्पॉर्टेंट uh, बात है कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी के अनुसार इनको एक्सरसाइज एडवाइज करी होगी खासकर सिंपल जो वॉकिंग है वो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है वो सभी लोग uh, कर सकते हैं इस एज में तो उनको uh, रोज वॉकिंग के लिए जाना चाहिए और हम रिकमेंड करते हैं कि रोज़ uh, लगभग आधा घंटा वॉक करना चाहिए हफ्ते में पाँच दिन तो करें ही तो uh, उससे जो है हार्ट की नसों में अगर ब्लॉकेज भी होता है तो साइड से कोलेट्रल ब्लड वेसल बनती रहती हैं और उससे हार्ट अटैक होने का रिस्क कम हो जाता है तो इनको रेगुलर वॉक्स के लिए जाना चाहिए ताकि रेगुलर एक्सरसाइज हो और उससे हार्ट अटैक होने का रिस्क और भी कम रहे जी डॉक्टर मिलिन बहुत सारे सवाल हमारे पास ई पर भी आ रहे हैं कि इसमें सर्जरी की ज़रूरत दरअसल कब पड़ती है इसको कैसे समझें और एनजियो प्लास्टी आ, क्या होती है इसको किस तरह से समझना चाहिए जी बेसिकली ये है कि अगर मरीज़ को सिम्टम है और उन्होंने जांच कराई और एनग्राफी करने के बाद आ, उनकी हार्ट की आर्टीज़ में ब्लॉकेज आया जो कि 70 से ज्यादा है तो एंजियोग्राफी ऐस... से मतलब उस उस प्रक्रिया से है जो ब्लॉकेज चेक करने के लिए जी, जी। एंजियोग्राफी कार्डियोलॉजी कैथ लैब में की जाती है इसमें हाथ के रास्ते से या पैर के रास्ते से एक आ, तार डाल के डाई डाली जाती है हार्ट में और उससे डाई से हम ये स्टडी करते हैं कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज है कि नहीं अगर है तो कितनी आर्टरीज में और कितने मात्रा में ब्लॉकेज है ठीक है तो अगर ये डायग्नोसिस मतलब टेस्ट के बाद अगर ये एस्टेब्लिश हुआ कि इनकी हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हैं तो फिर यह डिसीजन लेते हैं कार्डियोलॉजिस्ट कि अगर जैसे एक आर्टरी में छोटी सी जगह पे ब्लॉकेज है तो इन मरीज का एंजोप्लास्टी यानी कि स्टेंटिंग से बहुत अच्छे से इलाज हो सकता है अगर किसी मरीज को आपने अभी जो यूज़ जी, स्टेंटिंग, और अगर किसी मरीज को तीनों आर्टरीज में काफी सारी जगहों पर ब्लॉकेजेस हैं जिनको की अगर हम स्टेंटिंग की सोचें तो पांच या छः या उससे ज्यादा स्टेंट लगे तो ऐसे कंडीशन में बेहतर यह होता है कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी की जाए स्टेंटिंग का मैं ये बताना चाहूंगा कि बेसिकली जो कॉर्नरी यानी छोटी सी जो आर्टरी है धमनी है उसमें जो ब्लॉकेज है वो उसके ल्यूमेंट को पतला कर देती है तो स्टेंट यानी कि आप ये सोच सकते हैं जैसे वो एक बॉल पॉइंट पेन में स्प्रिंग सा होता है छोटे से साइज का स्प्रिंग एक तरह से अंदर डाल दिया जाता है मेटल का होता है या फिर आजकल नए मटेरियल्स आ गए हैं बेहतर मटेरियल्स तो वो जो स्टेंट होता है वो उस ब्लॉकेज को ऐसा दबा के आर्टरी को पूरी तरीके से खोल देता है तो ये प्रोसीजर को स्टेंटिंग कहते हैं इसको कार्डियोलॉजी कैथल में किया जाता है और इससे फिर मरीज़ के दर्द में काफ़ी आराम हो जाता है और आगे हार्ट अटैक आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं जी बट इसमें ध्यान एक ये रखना पड़ता है कि स्टेंट होने के बाद या बाईपास सर्जरी होने के बाद मरीज को जो दवाई प्रिस्क्राइब की गई है उसको रेगुलरली लेना है और डेली जैसा कि नारंग सर ने कहा वॉकिंग करनी है उससे हार्ट की हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होती है ठीक है एक एक कॉलर गुरुग्राम से हमको कॉल कर रही हैं जयपाली जी जयपाली जी स्वागत है आपका पूछिए अपना सवाल नमस्कार नमस्कार सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरी उम्र इज अबाउट एट सेवेंटी इयर्स एंड टू डेज आई हैव है बी बीपी मेडिकेशन बिकॉज माय ब्लड प्रेशर वाज फाइन बट अभी हाल में मैंने देखा है कि मेरा जो डायस्टोलिक है मोर देन द अपर वन सिस्टोलिक द डायस्टोलिक इज द वन विच इज गिविंग मी ट्रबल मीन्स इट इज मोर देन नाइन्टी sometimes crosses 100. Mm -hmm. so how do i take it, uh, mean how do i understand that? Mm -hmm. and secondly, whenever we get the liquid profile done, mm -hmm. what is it that we need to watch out and other cholesterol, blood is there any medication which might fear the arteries, uh, you know, once and for all? thank mm -hmm. you so much. Uh, uh, dr. ranjit uh, kumar nath, inka ज़रूर बहुत अच्छा सवाल पूछो मैडम का जो सवाल ये है कि उनका डायस्टोलिक बीपी बढ़ता है तो डायस्टोलिक बीपी से क्या तात्पर्य है ये भी दर्शकों को बताइएगा जो जो हमारा बीपी है जो हमारा हार्ट पंप कर देते हैं जब खून बाहर आ जाता है उस टाइम में जो ब्लड प्रेशर हमारा मिलता है वो सिस्टोलिक बीपी होता है जो वो खून चले जाते हैं सारे शरीर के अंग के बाद उसके बाद जो मिनिमम प्रेशर रहता है हमारा धमनियों में उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं तो जनरली हम जो कहते हैं कि सिस्टोलिक अराउंड एक सौ तीस एक सौ चालीस तक हम नॉर्मल मानते हैं और डायस्टोलिक एट्टी टू नाइन्टी तक हम नॉर्मल मानते हैं नॉट नॉर्मल उससे नीचे नॉर्मल है लेकिन इस लेवल तक हमको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है लेकिन वो अगर लगाकर क्रॉस कर रहा है हु ऊपर जा रहा है तो हम ट्रीट करते हैं जो हाइपरटेंशन या उससे रक्तचाप बोलते हैं वो ऐसा नहीं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बढ़ना पड़ेगा uh -huh. उसमें या तो सिस्टोलिक 140 से ऊपर हो डायस्टोलिक 80 भी हो सकता है तब भी हम हाइपरटेंशन बोलते हैं और अगर सिस्टोलिक 140 या उससे नीचे है लेकिन डायस्टोलिक 90 क्रॉस कर रहा है तब हम भी हम हाइपर बोलते हैं तो एनी वन अगर क्रॉसेस मोर देन द अपर लिमिट हम हाइपर बोलते हैं लेकिन यंग एज में जब हाइपर होता है अगर हम मान ले फिफ्टीज एक टारगेट एक एज ले लेते हैं फिफ्टीज के नीचे जो ब्लड प्रेशर

एक कंडीशन बोलते हैं है, हमारा शरीर की जरूरत के हिसाब से नहीं बढ़ा हुआ है जिसको हम प्राइमरी या एसेंशियल बोलते हैं है सेकेंडरीशन मतलब कई एक समस्या है जैसे किडनी में हो या हारमोनल हो कहीं पर रुकावट हो जिसके कारण ये बीपी बढ़ा हुआ है तो इसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं इसको एक गेट गेट सब तेज है जो करके हम निकालते हैं कि कोई किडनी में रुकावट तो नहीं है कोई किडनी का डिजीज तो नहीं है कोई धमनी में रुकाव तो नहीं है इस टाइप का टेस्ट हम कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं उसके बाद हम इसको इलाज करते हैं अगर कोई कारण है तो इसको वो कारण को इलाज करने से इनका हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगा लेकिन अगर कोई कारण नहीं निकलता क्योंकि सत्तर अस्सी प्रतिशत में कोई कारण नहीं निकलता है इन दैट केस मैडम को ट्रीटमेंट की जरूरत है क्योंकि उनका डायस्टोलिक हंड्रेड के ऊपर ही रह रहा है दो सिस्टोलिक इज नॉर्मल सेकेंड क्वेश्चन उनका है जो लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हम दो टाइप का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है एक है बेसिक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट और है एक्सटेंसेड एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट तो हम जब भी एक पॉपुलेशन का स्क्रीनिंग के लिए करते हैं तो हम बेसिक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं उसमें हमारा जो सबसे घातक कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल उसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं हम लोग तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हम चाहते हैं कि ये पॉपुलेशन का वो कंट्रोल में रहे एज वाइज हमारा कार्डियोलॉजिकल सोसाइटीज या हम लोग एज वाइज हम कट ऑफ देते हैं कि इस पेशेंट के लिए इतना होना चाहिए जी किसी का अगर कोई ब्लॉक नहीं है जैसे मैडम अब तक कोई बीमारी नहीं है तो उनके लिए लेवल 120 130 तक हम मानते हैं कि एल डी एल ठीक है लेकिन अगर किसी को हार्ट में ब्लॉग है या उनका डायबिटीज है हम मानते हैं ये लेवल और कम होना चाहिए किसी को स्टेंट लगा है या हार्ट अटैक हुआ है वो लेवल और सत्तर से भी नीचे होना चाहिए ऐसा हमारा ट्रीटमेंट टारगेट्स है हुँ, 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 लेकिन एलडीएल मापने से ही हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं मापा जाता है हमको ये मन जानना जरूरी है आर लॉट ऑफ बैड अदर बैड कोलेस्ट्रॉल्स कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल बोलता है लपा या एल एल पी ए करके है से सब कुछ नहीं निकलता इसीलिए अगर कोई बोलता है, मेरा कोई risk नहीं है फिर भी मुझे हार्ट अटैक हो गया देन वी गो फॉर द एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल जिसमें हम जो मैंने गिनाया इस टाइप का बेड कोलेस्ट्रोल हम चार्ज करने की कोशिश करते हैं लास्ट पॉइंट ये है कि जो एल डी एल बैड कोलेस्ट्रॉल मैडम का जो ये और कोई है हाँ टाइगली साइड नमक एक कोलेस्ट्रोल है मतलब बैड ये है जो ब्लड टेस्ट में हम करते हैं वो भी थोड़ा सा कारक माना जाता है हार्ट अटैक्स का इसलिए वो भी हम मानते हैं कि एक के नीचे रहना चाहिए लेकिन वो डायरेक्टली एल जैसा बेड कोलेस्ट्रॉल नहीं है उसको डायरेक्टली हार्ट अटैक के साथ इम्प्लीमेंट इंटीग्रेट किया हुआ नहीं मिला इसीलिए उसका हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते जितना हम एल डी कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रेस देते हैं जी डॉक्टर राजीव नारायण कुछ सवाल हमारे पास आ रहे हैं ईमेल के ज़रिए जो जानना चाहते हैं कि जब हम कम उम्र में हार्ट अटैक की बात करते हैं तो उसके खतरे को पहचाने कैसे और एक सवाल ये भी आ रहा है कि साइलेंट हार्ट अटैक से क्या समझना चाहिए और इसको क्यों होता है कैसे होता है कैसे समझें इसको तो यंग लोगों में जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि उसमें रिस्क थोड़ा सा देखा गया है तो इसके कई कारण हैं एक तो जैसे कि हमारी जीवन शैली बदल रही है हमारा एक्सरसाइज वगैरह कम हो रही है खाने फैट बढ़ रहा है तो उसकी वजह से दूसरा है कि यंग लोगों में कई बार कौरिया डिजीज वजह से प्रॉब्लम नहीं होती किसी और वजह से हार्ट की कंडीशन से प्रॉब्लम होती है जैसे एक कारण है जिसको कहते हैं हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी उसके हार्ट के मसल में ही प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से पेशेंट को सडन uh, डेथ हो सकती है हुँ. तीसरा है जैसे कई बार इसको कहते हैं हम लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम तो इसमें ये रिदम प्रॉब्लम हार्ट में अचानक हो जाती है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है तो इसके मतलब जरूरी नहीं है कि यंग में हो रहा हो तो वो कॉर्निया डिजीज की वजह से ही हो हुँ. किसी और कारण से भी हो सकता है जी दूसरा आपने पूछा कि ये साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है तो साइलेंट हार्ट अटैक ये होता है कि मरीज को जैसे हमने बताया कि क्लासिकल हार्ट अटैक में बहुत ज़ोर से दर्द होता है पेशेंट को पता लगता है कि तो कुछ ज़्यादा दिक्कत है और उसको इमरजेंसी जाना पड़ता है तो पता लग जाता है कि इस टाइम पर मरीज़ को हार्ट का अटैक हुआ लेकिन कई बार मरीज को ये चीज़ नहीं होती है ख़ासकर जो थोड़े एल्डरली लोग हैं और जो डायबिटीज़ के लोग डायबिटीज़ जिनको है उनको कई बार ये चेस्ट पेन ज़्यादा नहीं होता है सो उनको ये साइलेंट हार्ट अटैक हो गया तो उसकी वजह से हार्ट का एक जो मसल है वो एक तरह से डेड हो गया तो हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है हार्ट की कैपेसिटी कम हो जाती है पम्प करने की तो उसके बाद क्योंकि हार्ट कैपेसिटी कम हो रही है तो बॉडी में खासकर लंग्स में ब्लड इकट्ठा होना शुरू होता है उससे मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है तो चलने फिरने पर सांस की तकलीफ होती है चलने फिरने पर सांस फूलता है तो फिर वो मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो फिर वहाँ पता लगता है उसके जब ई सी कराएं या इको कराएं तो उसमें पता लगता है कि मरीज को पहले कभी हार्ट अटैक हुआ था <laughs> तो इसको हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं कि जो कि चेस्ट पेन से नहीं प्रेजेंट करता पर वो थोड़ा हार्ट फेलियर से प्रजेंट करता है आ, सांस की तकलीफ से प्रजेंट करता है बाद में जी डॉक्टर मिलिंद कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बैलून एनजियो दरअसल क्या होती है और ये भी जानना चाहेंगे कि एनजियोप्लास्टी स्टेंट लगने के बाद जो है उसके बाद का जीवन क्या क्या सावधानियाँ बरतें अभी आपने जिक्र किया था कि दवाएं वगैरह आप लेते रहें लेकिन क्या उसके बाद एक नॉर्मल जीवन संभव है कैसे समझें इसको आ, बलून एनजियोप्लास्टी में यह होता है कि जैसे एनजियोग्राफी प्रोसीजर करते हैं एक तार डाल के हार्ट के आर्टरीज में डाई इंजेक्ट करके स्टडी करते हैं कि कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है तो इसी का एक्सटेंशन है एंजियोग्राफी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है और बलून एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट प्रोसीजर है उसमें एंजियोग्राफी के बाद आ, एक छोटा सा बलून होता है जहाँ पे आ, हार्ट की आटरी में ब्लॉकेज है वहाँ पे उस बलून को लेके जाते हैं गाइड वायर के थ्रू और फिर उस बलून को वहाँ पे डायलेट करते हैं तो वो जो ब्लॉकेज है वो दब जाता है और आर्टरी खुल जाती है तो ज़्यादातर आजकल बलून एंजियोप्लास्टी के बाद एक स्टेंट का भी इम्प्लांट वहाँ करते हैं आ, बाकी लाइफ के बारे में यह बहुत जरूरी है कि एक बार पेशेंट का एनजियोप्लास्टी हो गया तो ऐसा कुछ भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि अब उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन करनी होगी अपने लाइफ में ऑफिस में नहीं जा सकते काम नहीं कर सकते या खेल नहीं सकते जी बट उनको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा कि जो आ, उनको ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया है दवाइयाँ प्लस अगर उनमें कोई जो रिस्क फैक्टर हैं वो पाए गए हैं सपोज़ डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या स्मोकिंग है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो इन सबको बहुत ही ध्यान से उनको कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि जो प्रोसीजर किया गया है बलून एंजियोप्लास्टी उसका फ़ायदा उनको 10 साल 20 साल 25 साल मिले और आगे कोई और फिर से हार्ट अटैक ना हो पर यह घबराने की बिल्कुल बात नहीं है कि एक बार स्टेंट हो गया तो उनकी लाइफ में कोई मेजर रेस्ट्रिक्शन आएगा जी जी आ, तो इस इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि जब कई बार ये देखा होगा कि ट्रेड मिल पर दौड़ते हुए लोग क कोलैप्स हो जाते हैं और हार्ट अटैक हो जाता है क्या क्या वजह हो सकती है इसकी ब्रेक के बाद जानेंगे एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें औरतें कमा के भी वनरेबल हैं सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटीवी बार निर्माण का रियल हीरो भैया हम्म घर का किराया देना था कुछ पैसे इस महीने तो गाड़ी की एमआई जानी है ना अगले महीने पक्का चलता हूँ. आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ ₹690 महीने से शुरू इट सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं अगर आपकी उम्र सत्तर साल से अधिक हो क्या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल इसलिए ले आइए आई के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुन्डी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज की और देश के जाने माने विशेषज्ञ जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे एक बार फिर से आपका तारुफ करा दें परिचय करा दें हमारे साथ डॉक्टर राजीव नारंग जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स नई दिल्ली से डॉक्टर रंजीत कुमार नाथ जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से और डॉक्टर मिलिंद पदमाकर होते जो कि डायरेक्टर हैं कार्डियो कार्डियोथोरासिक वैस्कुलर सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से और फॉर्मरली प्रोफेसर रहे हैं एम्स में बहुत स्वागत है आप तीनों का और एक बार फिर से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमने ब्रेक पर जाने से पहले एक एक सिचुएशन की चर्चा की थी कि कई बार देखने में आता है डॉक्टर साहब कि डॉक्टर रंजीत आपके लिए ये सवाल अगर मैं करूं कि ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए लोग कलेप्स हो जाते हैं एक्सरसाइज करें ये बात हम बार बार कह रहे हैं लेकिन कितनी एक्सरसाइज करें और ख़ासतौर पर जब जो लोग जिम जा रहे हैं आ, उनको प्रोटीन दिए जा रहे हैं दूसरे जो सप्लीमेंट्स हैं वो दिए जा रहे हैं इसको इसको लेकर के थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है लोगों को हाँ बहुत अच्छा सवाल है आपका क्योंकि ट्रेडमिल क्या है कि हम हम मैंने पहले आपको सारांश बताया था हार्ट का काम जो है उसको पंप करना है जी तो रिक्वायरमेंट जब ज़्यादा है हमारा ज़रूरत ज़्यादा है तो ज़्यादा जरूरत के हिसाब से पंप करे इसीलिए हम जब ट्रेडमिल करते हैं हम ये करते हैं कि हमारा हार्ट की रेत बढ़ाते हैं और जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है इवन हार्ट को भी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसीलिए हम ये चाहते हैं कि एक आदमी अगर नॉर्मल काम करते हुए अगर ऐसे एक्सरसाइज करे दौड़े एक घर पे जाके तो क्या दिल में कुछ हलचल मचता है क्या वो हम जो साथ में ट्रेसिंग लेते हैं ईसीजी उससे हम लोगों को पता लगता है लेकिन जो ट्रेडमिल जिम में है उसमें वो सुविधा नहीं है जो ई आ रहा है उसमें कुछ खराबी आए है क्या वो पता नहीं लग पाता अभी बात यह है कि किसी का अगर कोई ब्लॉक नहीं है हार्ट नॉर्मल है तो एक आदमी जितना मर्जी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो मर्जी हमारा मेडिकल टर्म्स में या हम ये बोलते हैं कार्डियोलॉजी टर्म्स में आप 220 से आपका एज माइनस कर दीजिए इतना हार्ट रेट तक आप अप, अपने आप एक्सरसाइज कर सकते हैं लेकिन आप उससे ऊपर हार्ट रेट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो जाती है लेकिन तब भी मैं रिस्क नहीं मानूंगा अगर आपका हार्ट आपका धमनी में कोई ब्लॉक नहीं है तो लेकिन अगर धमनी में ऑलरेडी ब्लॉक पनप रहा है क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल जमना ये एक दिन का काम नहीं है ये स्टडीज में पाया गया है कि यंग एज से ही हमारा कोलेस्ट्रॉल का छोटे छोटे ये प्लाक्स जमना शुरू हो जाता है हाँ। तो अगर हो सके 40 पचास में वो जो ब्लॉक्स है ऑलरेडी 50 परसेंट किसी का आ भी सकता है हाँ। तो जो डॉक्टर नारंग सर ने कहा है कि ये फंस जाता है उसी से हार्ट अटैक हाँ। हाँ। होता है वो सिचुएशन होता है स्ट्रेस रिलेटेड जी। आप ज्यादा एक्सरसाइज करो तो बीपी बहुत बढ़ेगा आपका नहीं। टेंशन बढ़ेगा तो ये सारे सिचुएशन मिला के प्लाक हाँ। हो जाता है हाँ। तो इसलिए ये अनसुपरवाइज एक्सरसाइज ट्रेडमिल बहुत ज्यादा करना हार्ट रेट को कितना बढ़ रहा है कुछ पता नहीं इतना करना एक घातक हो सकता है दूसरे सवाल है कि क्या यही एक कारण है नहीं जैसे ऑलरेडी हमने भी डिस्कस किया ऑलरेडी कि कुछ दूसरे डिजीजेज है हार्ट में जो आपको पता ही नहीं है जैसे ऑलरेडी डिस्कस हुआ है कि हाइपाट्रोफिक कार्डियोमेप्रिक आपका हार्ट बहुत मोटा है ये जेनेटिक डिजीज है फैमिली में चलता है वो सब सिचुएशन में कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जितने लोग मरते हैं जैसे ओलंपिक्स में हमने सुना घातक हुआ है फुटबॉल फील्ड में हुआ ये सब में पाया गया है कि मेजोरिटी को हाइपाट्रोफिक कार्डियोमैप्टी नामक डिजीज है तीसरा है जो एरिथमिया जो धड़कन का गलत धड़कन का बीमारी है वो गलत धड़कन की बीमारी कभी भी आ सकता है लेकिन सबसे कॉमनली आते है जिसको ऑलरेडी एक स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है मतलब जिसको हार्ट की एक हिस्सा डेथ है सपोज करो हार्ट अटैक छोटा सा हुआ है लेकिन दस साल पहले ही हुआ था लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उससे गलत धड़कन आ सकता है जिसको हम वेंटिकुलर टिकी कर दिया या इस टाइप का मानते हैं तो उससे तुरंत कोलेप्स हो सकता है एक लास्ट पॉइंट है जो जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स मैन है जैसे कोई अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन कर रहा है तो उनके लिए ये सप्लीमेंट ये सब जरूरत है जी शायद है और वो एक सब्जेक्ट है साइंटिफिक सब्जेक्ट है लेकिन जो रेगुलर सेहत के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको प्रोटीन सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नहीं। आप इतना दो तीन चार घंटा लगाकर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत पड़े क्योंकि आप उसके बाद घर पर जाकर अच्छा खाना खा सकते हो और अच्छा ब्रेकफास्ट ले सकते हो उससे आपका ये हो सकता है आप हाँ पानी पीने की ज़रूरत है लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है लेकिन आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है आप सिंपल ग्लूकोज ग्लूकोन डी या ग्लूकोज टाइप का कोई जूस ले सकते हो या नींबू पानी टाइप का जूस ले सकते हो लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट के नाम से जो इतना ये इतना पदार्थ मिला हुआ एक चीज़ है जो आपका लीवर के लिए बहुत घातक हो सकता है आपका जो कोलेस्ट्रॉल क्या है वो सब के लिए घातक हो सकता है वो क्योंकि ये अब तो बार्न डैड आप जो खा रहे हो उसको पचाना भी होगा तो इसीलिए अन सुपर भाई सप्लीमेंट डेंजरस हो सकता है और जो लोग ज्यादातर एक्सरसाइज दो पार्ट है एक हाँ। है आपको चलना वाला जैसे ट्रेडमिल बोला आपने हाँ। जॉगिंग हुआ ये सब हाँ। है और एक पार्ट है केवल बॉडी वेट वेट लिफ्टिंग और ये सब है हाँ। तो एक्सरसाइज दोनों मिला के होना चाहिए सबके लिए ऐसा नहीं केवल आप वेट लिफ्टिंग ही करोगे उससे भी हार्ट का ऊपर काफी स्ट्रेस पड़ता है क्योंकि एक्यूटली उसमें बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जी 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 तो इसमें ध्यान और योग का कितना महत्व हो सकता है इसको कैसे यूटिलाइज करें जीवन में क्या क्या उसका एक बेहतर ऑप्शंस भी हो सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे डॉक्टर राजीव नारंग से उसके कॉमेंट लेंगे लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आ, कामेश्वर जो कि हमको कॉल कर रहे हैं ओडिशा से जी कामेश्वर जी पूछिए अपना सवाल स्वागत हाँ, है आपका हाँ, हाँ जी नमस्कार सर नमस्कार मैं राजीव पुछ सर से पूछना चाहता हूँ सर कि मेरे को ऐसे टेन डेज से मेरे को हार्ट पेन हो रहा है हार्ट तो नहीं बोला जा सकता तो मैं जो से अगर साथ ऊपर लेता हूँ तो पेन होता है और ऐसे नॉर्मली पेन नहीं हो रहा तो सर उससे पहले मेरे को बहुत बेकेक हो रहा था तो मैं जो दिखाया डॉक्टर साहब को ऑर्थोपेडी या, है भी, भी, कार्डियोलॉजिस्ट तो को दिखाया सर वो इसी जी किए उसमें कुछ निकला नहीं उसके बाद ट्रेडमिल टेस्ट किए सर टेस्ट में पॉजिटिव निकला है बोल के मेरे को ये लिखे एंजियोग्राफी का मेरे को करवाने के लिए बोले और ये टैबलेट सर है आपका मैट एक्सएल 25 बोले से मेटोप्रोल सोसिनेट और आपका तो ये एटो एटोनो ऐसा कुछ लिखे हैं 10 एम का तो सर मेरा क्वेश्चन है ये मैं जो विटामिन टैबलेट जो लिखा गया सर विटामिन 12 और कैल्शियम मैं इसको कंटिन्यू करूं या फिर ये खाने के साथ नहीं कर सकता जी डॉक्टर राजीव आपके लिए है ये सवाल तो इन्होंने बताया कि इनको जो दर्द होता है छाती में तो वो है सांस लेने से होता है तो जैसे कि हमने बताया कि हार्ट का जो एंजाइना दर्द है वो अक्सर एग्जर्शन पर होता है जैसे लंबा चलना पड़े सीढ़ी चढ़नी पड़े भारी चीज उठा के चलना पड़े तो जो सांस लेने से दर्द होता है वो जनरली ये हार्ट का दर्द नहीं होता है तो एक ये चीज़ है नोट करने वाली कई बार लोग कहते हैं कि हमें सुई चुभ रही है ऐसा दर्द लग रहा है तो वो भी हार्ट का दर्द नहीं होता है कई बार कोई पॉइंट करते हैं कि सिर्फ इसी पॉइंट पर हमको दबाने से दर्द होता है दबाने से जो दर्द होता है वो भी हार्ट का दर्द नहीं होता है जी तो हार्ट का दर्द जैसे बताया क्लासिकली लंबा चलने से आ, होता है भारी काम करने से होता है तो इसीलिए इनके डॉक्टर ने फिर इनको ऑर्थोपेडिक के पास ही भेजा तो ऑर्थोपेडिक में उन्होंने इनको आ, अपनी दवाइयाँ बताई हैं खासकर जैसे विटामिन बताए हैं, बताए हैं। तो विटामिन जो है वो ऐसी कोई बात नहीं कि हार्ट के मरीजों को नहीं ले सकते वो जो बता रहे हैं वो आप उसके लीजिए और इन्होंने मीटोप्रोलॉलॉल और एटोरासाटिन बताया है तो एटोरासाटिन जो है दवाई है वो बहुत कॉमनली कॉर्निया डिजीज के मरीजों को दी जाती है क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल कम करती है तो ये दवाई तो ऑलमोस्ट सभी मरीजों को दी जाती है जो जिनको कॉर्निया डिजीज़ होती है और मीटोप्रोलॉल जो है वो आ, कुछ मरीजों को दी जाती है ख़ासकर इंजाइना के लिए देते हैं तो फिर इनको इन्होंने बताया कि इनका ट्रेडमिल टेस्ट किया गया और ट्रेडमिल टेस्ट में पॉजिटिव आया तो यही है हम जब हमें शक होता है कि कहीं हार्ट की दिक्कत हो या याजाइना ना हो तो हमें एक्सरसाइज टेस्ट कराते हैं तो एक्सरसाइज टेस्ट में पेशेंट ट्रेडमिल वगैरह पे एक्सरसाइज करता है और उसके साथ हम उसकी इसी चीज मॉनिटर करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे तो अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं पता लगता है कि हार्ट के मसल में स्कीमिया हो रहा है ऑक्सीजन कम हो रही है तो फिर बात आती है कि ये अनजाना है इसके लिए फिर आगे बात करनी पड़ती है इसमें एक चीज़ ध्यान करने की बात है कि जो एक होता है सिंपल ट्रेडमिल टेस्ट उसमें एक्सरसाइज करके सिर्फ इसी मॉनिटरिंग होती है जी। उसमें कई बार थोड़ा फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रेट ज़्यादा होते हैं उससे ज़्यादा अच्छा एक टेस्ट होता है उसको हम स्ट्रेस थैलीयम टेस्ट कहते हैं उसमें पहले थैलीयम यूज होता था आजकल दूसरा केमिकल यूज होता है पर टेस्ट वही है तो इसमें पेशेंट की एक्सरसाइज कराते हैं ट्रेडमिल पर उसको चलाते हैं और उसके बाद हार्ट की स्कैनिंग कर लेते हैं जी तो उससे एक्जैक्टली exactly पता लगता है कि कितने हार्ट के एरिया में प्रॉब्लम हो रही है और कितनी प्रॉब्लम हो रही है माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैसी प्रॉब्लम हो रही है तो वो उससे ज्यादा एक्यूरेट है तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव रेट नेगेटिव रेट कम होता है तो वो ज्यादा एक्यूरेट टेस्ट होता है और इसमें भी अगर दिक्कत इसमें दिक्कत अगर आती है तो फिर बात आती है बात आती है कि आ, मरीज को डेफिनेटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए इसमें ट्रीटमेंट में मेनली दो चीज़ें बहुत जरूरी हैं एक है एसपेन और दूसरी है स्टैटन जैसे टोरा है कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई तो एस्पिरिन का रोल होता है कि वो क्लॉट बनने से रोकती है जी। जैसे हमने बताया क्लॉट बनने से हार्ट अटैक हो जाता है तो एस्पिरिन उस चीज को रोकती है तो ये दो दवाइयाँ इनको बराबर लेनी चाहिए और उसको बंद नहीं करना चाहिए ये कह रहे थे विटामिन सप्लीमेंट्स कुछ दिए गए हैं तो विटामिन सप्लीमेंट्स जनरली हार्ट की बीमारी के लिए नहीं होते हैं वो इनको बोन्स वगैरह के लिए इनका हो सकता है बी लेवल ब्लड में कम होगा तो उस वजह से दिया गया होगा तो वो उसको उसके हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं तो वो जनरली हार्ट की दवाइयों से के लिए नहीं है हार्ट की बीमारी के लिए नहीं है वो ठीक है तो किस तरह से ये इस रोग से निजात पाई जा सकती है इसका रोकथाम किया जा सकता है और क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं जो हार्ट डिजीज़, डिजीज़ है इसके लिए इस पर भी हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे दर्शकों आप कहीं मत जल्द होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी तीन महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने ना टूट जाए आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे दो करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ छह सौ नब्बे रूपए महीने से शुरू सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल इसीलिए ले आइए आई के ट्रैक्टर ब्रांड का जो देता है सुन्डी और ट्रिप ऐसी सुरक्षा की गारंटी ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हम चर्चा कर रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं हृदय रोगों की और किस तरह से इससे निजात पाई जा सकती है क्यों ये रोग होता है और क्या कुछ सतर्कता बरतनी चाहिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए कैसे जागरूक बने हम अपने दिल की सेहत को लेकर के इस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं देश के जाने माने विशेषज्ञ हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले जब हम ये कहते हैं कि कई बार हार्ट अटैक हो गया किसी एक बहुत कोई सदमा पहुंच गया और ये ये देखने में आया कि स्ट्रेस बहुत है और हम साथ ही साथ फिर हम जब एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ध्यान और योग किस तरह से इसको जोड़ेंगे डॉक्टर राजीव जब हम एक्सरसाइजेस की बात करते हैं ये कहते हैं कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए खान पान बेहतर होना चाहिए ऐसे में कैसे ध्यान और योग का महत्व है कैसे समझाएंगे है हमारे दर्शकों को तो जैसे मैंने बताया शुरू में हमने डिस्कस करा कि कई कारण हैं तो उसमें स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट कारण है तो आ, स्ट्रेस कर, कम करने के जो भी तरीके आ, अपनाते हैं वो हेल्प करेंगे जी तो जहाँ तक योगा का बात है तो योगा में दो तीन चीज़ें हैं एक तो योगा जो है थोड़ी उसमें जो पोस्टल एक्सरसाइजेस हैं जी तो एक्सरसाइजेज जैसे डॉक्टर रंजीत ने बताया कि एक तो एक्सरसाइज है जैसे ब्रिस्क वॉकिंग एक्सेट्रा जिनको कार्डियोरेस्पिटरी एक्सरसाइज कहते हैं तो आ, उसमें जैसे ब्रिस्क वॉकिंग हो गई साइकिलिंग हो गई जॉगिंग हो गई स्विमिंग हो हु गई तो इस तरह की हैं दूसरी एक्सरसाइज है मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज जो कि वेट लिफ्टिंग है थोड़ा लाइट वेट कर सकते हैं तो वेट लिफ्टिंग और वो मसल स्ट्रेंदनिंग एक्सरसाइजेस हैं जी और तीसरी है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज जिसमें कि जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल आ, किया जाता है तो योगा में आ, आ, इन तीनों का आ, होता है तीनों का बेनिफिट होता है और इसके साथ योगा में मेडिटेशन की बात भी होती है तो मेडिटेशन से स्ट्रेस की स्ट्रेस कम होता है और उससे आ, इस इस वजह से ही मरीज़ को फ़ायदा होता है जी। फिर दूसरा ये देखा गया कि जो योगा करते हैं मरीज़ उनको साथ में उन, आ, उनकी जीवन शैली अच्छी होती है हाँ। ख़ास वो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं और आ, उनका खान पान सिंपल होता है तो उसमें ज़्यादा फैटी चीज़ें जो ज़्यादा प्रोसेस फूड वगैरह नहीं होता है हाँ। तो उस वजह से भी बेनिफिट होता है जी। तो इन सब बातों से मरीज़ को फ़ायदा होता है तो योग करने से फ़ायदा होता है तो आ, इ, 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 इस तरह से इस तरह से कहा जाए तो बाकी मेडिटेशन स्ट्रेस कम करने की और भी तरीके हैं जैसे कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं कुछ लोग ट्रैवल करते हैं तो वो भी स्ट्रेस कम करेंगे तो उसका बेनिफिट होता है जी जी डॉक्टर नाथ हम अपने कार्यक्रम के लगभग अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं तो हम चाहेंगे कुछ सवाल जल्दी जल्दी जिनका जवाब एक साथ मिल जाए एक तो कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि बीपी आ, को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए कैसे इससे निजात पा सकते हैं या इसको कैसे कितना कितना बड़ा खतरा हो सकता है दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि नींद का कितना महत्व है रक्तदान का क्या इसका कोई रोल है हार्ट डिजीजेस को कम करने को कैसे समझें तीनों सवालों का जल्दी जल्दी ये है कि बी बिना दवाई अगर आपको कम रखना चाहते हो तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा खाने में नमक जितना कम हो इतना करना चाहिए जितना कम हो मतलब जितना कम नहीं करने से आपको स्वाद नहीं आता इतना कम नमक लेना चाहिए खाने में तला हुआ नहीं खाना चाहिए क्योंकि तला हुआ खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और बीपी भी बढ़ता है चौथा जो जंक फूड जैसे फ्राइड फूड वो सब कम खाइए रेगुलर एक्सरसाइज करिए और स्ट्रेस कम करिए क्योंकि स्ट्रेस से भी बीपी बढ़ता है इससे हमारा बीपी विदाउट मेडिसिन इस ये सब चीज़ों से हम बीपी को कंट्रोल रख सकते हैं अगर उसके बाद भी बीपी ज़्यादा है तो हमको बी पी की दवाई लेना चाहिए नींद की बहुत महत्व है क्योंकि हमको सिक्स टू एट आवर्स अच्छा स्लीप चाहिए तभी हमारा हार्ट बीट बीपी सारे कंट्रोल में रहते हैं और शरीर अगले दिन काम करने के लिए हम, हम हमारा ऊर्जा देता है तो स्लीप अगर आपका डिस्टर्ब हो तो उससे आपका बीपी बढ़ जाता है आपका कंसंट्रेशन नहीं आता वर्कस में तो उससे आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है तो सारे बीमारियों का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है नींद जो नींद से से घंटा बहुत ज़रूरी है जी हाँ थर्ड कंपोनेंट है आपने पूछा था कि ब्लड ट्रांसम्यूशन के बारे में हमारा कार्डियोलॉजी जो भी डिजीज़ है जिसमें इलाज है उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूशन एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जो डॉक्टर मिलिन आ, सा, साहब जो बाईपास करते हैं उसमें करीबन फोर टू सिक्स यूनिट ब्लड सही होता है लेकिन हम देखते हैं कि पेशेंट जो है ब्लड देने में रिलेटिव आनाकानी करते तो ऐसा नहीं होना चाहिए खून देने से आपका खून तीन महीने में पूरा भर जाता है पूरा अपना शरीर बना लेते हैं तो और उसे अच्छा खून आ जाता है तो इसीलिए ब्लड डोनेशन सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम है सोसाइटी में ताकि जो जरूरतमंद है जो स्पेशल एक्सीडेंट हार्ट सर्जरी इम्पोर्टेंट सर्जरीज़ में खून की जरूरत होता है और हमारे ब्लड बैंक्स में ये खून की देने का सिस्टम है तो खून ब्लड डोनेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तो काम होता है जी जैसे ये विषय दरअसल बहुत बहुत बड़ा है और एक के बाद एक बहुत सारे सवाल हैं कुछ लोग ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में बाईपास सर्जरी के बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर मिल, मिलिन लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि हृदय रोग के खतरे को कम कैसे करें क्या संदेश आप देंगे हमारे दर्शकों को जी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हम सबको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए हृदय रोग को कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रिस्क फैक्टर्स को हम जाने और उसके ऊपर ध्यान दें और अगर हमें ये लगता है कि ये पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर मेरे में है तो हम उस पर या तो प्रिवेंटिव मेजर लें या फिर ट्रीटमेंट लें डायबिटीज़ हाइपर स्मोकिंग एक्सेस एल्कोहल और स्ट्रेस ये पाँच रिस्क फैक्टर्स जो है इम्पोर्टेंट है इनको हम कंट्रोल करें तो हमें हार्ट की बीमारी प्रिवेंट कर सकते हैं जी तो बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर राजीव नारंग डॉक्टर रंजीत कुमार और डॉक्टर मिलिंद पदमाकर हमारे साथ इतने महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए तो दर्शकों आप भी अपने दिल की सेहत को बेहतर कर सकते हैं बशर्ते जो बातें बताई गई हैं आप उनको समझें और निश्चित तौर पर जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको दूर करें अपने आप को सेडेंट्री लाइफस्टाइल से दूर करें अच्छा खान पान रखें और अपने दिल को दुरुस्त और बेहतर रखें तो टोटल हेल्थ के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त नमस्कार